जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एनके फार्मेसी नॉलेज चैनल, जिस पर आप पाते हैं दवाइयों से संबंधित पूरी जानकारी। आज की इस वीडियो में हम इस नीरी सिरप के बारे में बात करेंगे। आप जो ये देख रहे हैं एमएल कंपनी का नीरी सिरप आता है, जो कि काफ़ी पुराने समय से ये दवा खानों पर ये दवाई बिक रही है और कई सारे बेनिफिट्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं इस सिरप का इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों, इस सिरप का जो यूज़ है वो यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम तथा किडनी के लिए काफ़ी लाभदायक मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, साथ ही हम बात करेंगे इसकी डोज, साइड इफ़ेक्ट और कब और कितनी मात्रा में पेशेंट को ये सिरप लेनी होती है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले सभी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक मिलते रहें और आप मेरे चैनल की और मेरी वीडियोस के साथ अपडेट बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम इस सिरप के यूज़ तथा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, नीरी सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप है, जिसका काम है किडनी और यूरिनरी सिस्टम को मेंटेन रखना, इनको ठीक रखना। दोस्तों, ये सिरप बर्निंग यूरिन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करके उसे ठीक करता है, यानी कि जब किसी पेशेंट को यूरिन बर्न होता है, मतलब उसको पेशाब में जलन होती है या पेशाब में ब्लड के लाल थक्के आते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट्स आते हैं, साथ ही पेशाब में पस जैसा आता है, तो उस समय ये दवा काफ़ी फायदेमंद होती है। ऐसी स्थिति में अधिकांश डॉक्टरों द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये रिलीफ करती है पेशाब करते समय होने वाले दर्द में, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब पेशाब करता है तो उसको जो दर्द होता है उसको ख़त्म करती है। दोस्तों, इस सिरप का जो मेन काम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना होता है। ये जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जब यूरेथर और उसके साथ साथ जब ब्लैडर में ये पनपने लगते हैं, तब वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से रोगी के यूरेटर में सूजन आ जाती है, यूरेटर लाल पड़ जाता है और कभी कभी रोगी के यूरेटर में जख्म भी हो जाता है, जिससे पस पड़ने की वजह से पेशाब करते समय दर्द होता है तथा पेशाब में पस आने का खतरा भी बना रहता है, और इसका समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिले तब ये पेशेंट की किडनी के लिए भी घातक हो जाता है, किडनी को भी ख़राब कर देता है। तो गाइस इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में, इसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी लाभदायक दवा है। दोस्तों, ये ट्रीट करती है क्रोनिक यूटीआई को, यानी जिसको पुराने से पुरानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ट्रीट करती है ये सिरप, उसको ट्रीट करती है। दोस्तों, ये यूरिनरी फॉर्मेशन को क्लियर करती है, यानी कि जो किडनी से जो भी यूरिन, मतलब पेशाब का फिल्टर होकर आता है, तो उसके यूरेटर के माध्यम से क्लियर करने का काम करती है, और साथ ही ब्लैडर के अंदर जो भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जिनकी वजह से ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाता है, इनको भी किल करने का काम करती है। साथ ही ये ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि ब्लैडर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ब्लैडर में जो भी कोई समस्या होती है या डिजीज़ होती है उसको ख़त्म करने का काम करती है, और साथ ही ब्लैडर को मजबूत करती है, ताकि ब्लैडर जो यूरिन है उसको अच्छी तरह से रोक सके और साथ ही ब्लैडर को मजबूत करती है ताकि ब्लैडर जो यूरिन है उसको अच्छी तरह से रोक सके, अच्छी तरह से स्टोर कर सके, इसके मसल्स को ये मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और इसके साथ ही ये किडनी के लिए भी एक टॉनिक की तरह काम करती है, मतलब किडनी हेल्थ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव सिरप है। तो दोस्तों, ये इस सिरप के बेनिफिट्स थे, आगे इसके कुछ और फ़ायदे जान लेते हैं। ये पेशाब का जो फ्लो होता है उसे ईजी करती है। आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट को यूरिन करते समय काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, यानी यूरिन पास करने के लिए उन्हें ज़ोर लगाना पड़ता है, और यहाँ उन्हें यूरिन बूंद बूंद करके आता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशाब के फ्लो को बढ़ाती है। दोस्तों, और कई सारे ऐसे ही बेनिफिट्स इस सिरप के हैं। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें सभी ज़रूरी आयुर्वेदिक चीज़ों को डाला गया है, मतलब सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की, किस तरह से इसकी डोज़ रहनी है, किस तरह से डोज़ लेनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन की डोज़ आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लें, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपकी बीमारी को चेक करने के बाद ही किसी भी दवा की डोज़ निर्धारित करते हैं। जनरली अगर किसी पेशेंट को ऐसी हल्की फुल्की समस्या है, तो 2 से 3 चम्मच तक वह सुबह और शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसको ऐसी कोई दिक्कत है या इन सब प्रॉब्लम में से कोई भी परेशानी उसको है, तो वह 1-1 चम्मच इस सिरप का इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस तथा पैकेजिंग की। तो दोस्तों पैकेजिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये 100 और 200 ml की बोतल मिल जाती है, किसी भी फार्मेसी स्टोर से आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। जो कि अगर बात करें इसके प्राइस की तो 135 रुपये में आप आसानी से इसको कहीं भी किसी भी फार्मेसी स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और ख़रीदने से पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखना ना भूलें, जिससे कि आप किसी भी एक्सपायर दवाई का इस्तेमाल गलती से ना कर सकें। तो दोस्तों ये इसकी पैकेजिंग तथा प्राइस की बात हो गई। चलिए अब जान लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन का अधिकांश कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर भी अगर कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है तो अगर आपको कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे कि उल्टी या दस्त लगना, उल्टी होना, जी मतलाना, या इसके साथ साथ आपको स्किन रिलेटेड कोई समस्या दिखाई दे, तो सिरप का तुरंत इस्तेमाल रोक दें और अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही आप किसी भी मेडिसिन का आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की नीरी सिरप की जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे हमारी अगली वीडियो में नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।